ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ये थोड़ा दुख की बात है कि हम लोग आज इस मौके पर हम अपना कार्यभार संभाल रहे हैं जबकि पूरे दिल्ली का सर एक तरीके से शर्म से झुका हुआ है क्योंकि मीनाक्षी एक 19 साल की लड़की को इतनी बेरहमी से मारा गया, फुल पब्लिक व्यू में मारा गया और ये एक तरीके का पूरे सिस्टम और सोसाइटी की हत्या है, सिर्फ मीनाक्षी की हत्या नहीं। ऐसे मौके पर हम लोग ने ज्वाइन करा है और इसीलिए हम लोगों ने आते ही तुरंत एलजी से समय लिया है कि हम ये मुद्दा आकर उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं। दिल्ली में 5 रेप दिन के होते हैं, 12 मोलेस्टेशंस दिन की हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा हर लड़की अपने आप को एक तरीके से बहुत अनसेफ महसूस करती है, तो इसलिए हमारे आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इस पे पूरी तरीके से काम करेंगे कि कैसे दिल्ली में अगर रात में 12 बजे भी एक लड़की बाहर निकले कहीं आना या जाना हो तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। हमारी ये ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा सबसे बड़ा दायित्व और काम ये रहेगा कि हम लोग पहले पूरी कोशिश करेंगे कि घर जुड़ें, घर टूटे नहीं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अगर कभी भी किसी ने किसी भी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया तो उसे हम किसी भी तरीके से बख्शेंगे नहीं। ये हम बहुत ही इस मामले में स्ट्रिक्ट रहेंगे एंड बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस हमारा इसको लेकर होगा। मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि संतोष कोहली मेरी प्रेरणा रही हैं, उनके साथ मैंने 10 साल बहुत काम करा है, झुग्गियों में काम करा है, बस्तियों में काम करा है, राशन की लड़ाई लड़ी है, खूब काम करा है और ये उनका सपना हुआ करता था कि दिल्ली रेप फ्री बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला का शरीर एक मंदिर है, पर दिल्ली के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि रोज़ दिल्ली के बीचों बीच ये मंदिर रोज़ तोड़े जाते हैं GB रोड पर, तो ये एक बहुत ही कठिन और जटिल समस्या है जिससे कि दिल्ली जूझ रही है और मुझे ये लगता है कि हमें इस पे ज़रूर काम करना चाहिए और हम इस पे काम करेंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य का, महिलाओं के स्वास्थ्य का स्तर और पूरे समाज के शिक्षा के स्तर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ रियल चेंज होंगे। एक चीज़ ज़रूर है कि हम सब सिर्फ महिलाएँ महिलाएँ हमें नहीं करना है, अब हमें एक्चुअली में काम भी करना है। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।